हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, आज मैं एक खास जानकारी दूंगा। एक सुरक्षाकर्मी के अंदर जो जो गुण होना चाहिए वो सिक्योरिटी शब्द में ही छुपा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं पूरा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलिए बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है सिक्योरिटी ज्ञान उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये जो सिक्योरिटी शब्द है, इसका जो ये जो वर्ड है, आप इसका स्पेलिंग जो है SECURITY। तो पहला जो लेटर है, जो एस है, एस स्टैंड फॉर सिंसियरिटी, मीन्स हिंदी में अगर मैं बोलूँ सिंसियरिटी का जो है ईमानदारी। तो एक सुरक्षाकर्मी को ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ई स्टैंड फॉर एंथुसियाज्म एनर्जेटिक। तो ई स्टैंड फॉर जो है एंथुसियाज्म एंड एनर्जेटिक, मीन्स एक सुरक्षाकर्मी को काम करने का उत्साह रहना चाहिए और शक्तिशाली भी होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो लेटर है वो है सी, दैट इज कैपेबल। तो ये कैपेबल जो शब्द है, इसका मीनिंग जो है वो सक्षम, मतलब कोई भी काम करने की सक्षम मतलब होना चाहिए, मीन्स क्षमता उनके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो लेटर है, दैट इज यू स्टैंड फॉर अनबियस्ड, मीन्स जो हिंदी में अनबियस्ड को हम बोलेंगे निष्पक्ष। तो निष्पक्ष होना चाहिए एक सिक्योरिटी कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट आर स्टैंड फॉर रिसोर्सफुल, मीन्स इसका जो है साधन संपन्न। तो उनके पास ये साधन होना चाहिए ताकि वो ड्यूटी कर पाए, तो साधन संपन्न होना चाहिए। नेक्स्ट लेटर जो है दोस्तों आई, दैट इज इंटीग्रिटी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अखंडता। मीन्स अगर कोई सुरक्षाकर्मी जिसके पास अखंडता मीन्स इंटीग्रिटी नहीं है, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। मीन्स मैं ऐसे बताऊं कि जिस थाली में आप खा रहे हैं अगर उसी में छेद करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए वो इंटीग्रिटी उनके पास होना चाहिए, तभी जो है एक सुरक्षाकर्मी को कोई भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो लेटर है वो है टी, दैट इज़ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस जो कि आप समझ रहे हैं धैर्यशीलता, मीन्स सहनशीलता, मीन्स धैर्य होना चाहिए उनके पास। जो किसी सुरक्षाकर्मी के पास अगर धैर्य नहीं है, तो फिर वो मतलब सुरक्षाकर्मी का जो ड्यूटी है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये गुण जो है धैर्यशील होना या सहनशीलता आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वाई स्टैंड फॉर यूथफुलनेस, दैट इज़ मतलब कोई भी सुरक्षाकर्मी अगर यूथफुल नहीं होगा, मीन्स उसके उसको उसके अंदर अगर जौवन नहीं है या तरुण नहीं है, तो फिर वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये जो सिक्योरिटी का मैं एक एक करके एक एक शब्द का एक एक लेटर का जो मैंने आपको गुण इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बताया। तो दोस्तों, ये सारा जो गुण है अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छा सुरक्षाकर्मी बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो है ये जानकारी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है सिक्योरिटी ज्ञान, अगर आप नया विजिटर्स है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का जैसे मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।